तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी देखो इस कड़ाके की धूप में आज व्रत करके रखा है, तब भी हम वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं और मिक्स वीडियो बनाने के लिए हमने यहाँ एक्टिंग की है, और आप हमारी वो वीडियो पूरी देखना। बहुत मेहनत कर रहे हैं, धूप लग गई है, प्यास भी लग गई है अभी तक। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ का बैकग्राउंड मतलब बहुत ही अच्छा नज़ारा था, इसलिए हम यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आए हैं और उपवास से आए। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बहुत होगी। तो आज मेरा उपवास है, तो अभी मेरे को पूजा करने का अभी 3 बज चुके हैं और अभी मैं जा रही हूँ घर पे, और 4 बजे मुझे पूजा करना है घर पे जाके। तो ठीक है गाइस, अभी बने रही ब्लॉग में, अभी घर चलते हैं और बताते हैं आगे का ब्लॉग आपको। तो गाइस, अभी मैं पूजा की तैयारी चल रही है। अभी सबसे पहले मैंने गणेश जी महाराज को विराजमान किया है चौक पे, और अभी मैं फूल डाल रही हूँ साइड में, क्योंकि उससे अच्छा लगता है, फूलों से सजा देते हैं तो थोड़ा। और मेरे पास वस्त्र नहीं थे, इसलिए मैंने कलावा धागा का उपयोग किया है वस्त्र के रूप में। मैं यहाँ पे नाम कर देती हूँ, और अभी मैं और फूल डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़े कम कम लग रहे थे तो मैं सोची कि और डाल देती हूँ। और फूल भी बहुत महंगा हो गया है, क्योंकि थोड़े ही फूल दिए थे, नहीं तो मैं बहुत सारा माला बनाने भी वाली थी, लेकिन फूल नहीं थे उसमें। फूल मिलते नहीं हैं, मिलते हैं तो बहुत महंगा देते हैं। और अभी मैं यहाँ पे तिलक लगा रही हूँ गणेश जी महाराज को, जो कि गणेश जी को चंदन बहुत प्रिय होता है, तो मैं सबसे पहले चंदन का तिलक लगाऊंगी, उसके बाद रौली का तिलक लगाऊंगी। तो अब मैंने दोनों तिलक लगा दिए हैं, और इसके बाद मैं चावल रख रही हूँ, चावल भी लगाना पड़ता है तिलक लगाने के बाद, तो वही मैं लगा रही हूँ। और उसके बाद मैंने रौली का तिलक लगा दिया है, चावल भी लगा दिया है उसके बाद। और हमारा लग सोच रहा, पता नहीं क्या कर रही है आज मम्मी, इसलिए कभी किधर जा रहा है देखने के लिए, कभी किधर जा रहा है, ये लोग आज क्या कर रहे हैं। बच्चे भी यहीं पर बैठे हैं देखने के लिए, और मैंने दिया रख दिया है, और गणेश जी महाराज को मैंने फ्रूट्स अर्पित कर दिए हैं। और अभी मैं धूप बत्ती बना लेती हूँ एक बार, मैं बना के नहीं रखती पहले से, मैं जब पूजा करती हूँ तभी मैं बनाती हूँ धूप बत्ती को। तो एक बार धूप बत्ती बना के मैंने रख दिया है, और मैंने दीपक भी रख दिया है, और अभी मैं पूजा करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले तैयारी करनी पड़ती है। और हमारा लक्ष्य कभी कुछ उठाता है, कभी कुछ उठाता है। अभी मैंने किशमिश अर्पित किया है ड्राई फ्रूट्स में, मैंने दीपक जला दिया, और धूप बत्ती भी मैं जला रही हूँ अभी। और जो अधूरा है वो मैं दक्षिणा दे के पूरा करती हूँ, क्योंकि जो भूल चूक रह जाती है उसको दक्षिणा से पूरे हो जाती है। और अब आप सबको मैं गणेश जी महाराज की कहानी सुनाने वाली हूँ, तो आप बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी कहानी है गणेश जी महाराज की। अभी और लोग नहीं है इसलिए मैं अपने गणेश जी के सामने गणेश जी की कहानी सुनने जा रहे हैं। एक छोटा छोरा अपने घर से खेलने गया, रास्ते में गणेश जी मिले। गणेश जी बोले, छोरा कहाँ जा रहा है? मेरी माँ से लड़ाई हो गई है, मैं गणेश जी के पास जा रहा हूँ। तो जाते जाते जंगल में चला गया। गणेश जी ने सोचा, यह तो मेरे नाम से जा रहा है, इसे कुछ हो गया तो अपना नाम खराब हो जाएगा। गणेश जी बालके के रूप में घर गए। गणेश जी बोले, छोरा कहाँ जा रहा है? विद्यायक जी से मिलने जा रहा हूँ। ये मेरे से पढ़ना नहीं आया, विद्यायक जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले, मैं विद्यायक ही हूँ, मैं तो नहीं मानू, तुम विद्यायक हो, कुछ भी मांग ले। मैं क्या मांगू? तू मांगे जो ही मांग ले, पर एक बार ही मांग ले। पलंग निवार का पोछो गजराज को, दाल भात गवा के हल्के ऊपर मुठी खांड की, फरसन बाल ऐसी मांगू जाने फल गुलाब को। विनायक जी बोले, छोरा तू तो सब कुछ मांग लियो, ऐसा ही हो जाएगा। छोरा घर पर आया, देखो तो एक छोटी सी बीलनी पलंग पर बैठी है, और घर में धन हो गया। लड़का अपनी माँ को बोला कि माँ, विनायक जी ने कितना दिया। माँ खूब खुश हुई, और विनायक जी जैसे मेरे लड़के को धन दिया, कहने वाले सुनने वाले को और अपने सारे परिवार को धन देना। जय हो गणेश जी महाराज, जिसमें उनके घर टूटे हो, सबके घर टूट जाओ गणेश जी बाबा, और हमारे घर टूट जाओ, और जो भी मेरी वीडियो देख रहे सबके घर टूट जाओ, और सभी की मनोकामना पूरी करना गणेश जी भगवान। और मैं आंख लेने भूल गई, पर मेरे एक लोटा रखा है वहाँ पे, उसको लेके आओ। पता है कि कहाँ रखा है?
तो ये कहानी मैंने सुन ली है और अब मैं दूसरी कहानी सुनाऊंगा विनायक जी की। और ये मैं लोटा भूल गई थी, भाई गणेश जी भगवान माफ करना और आखा लेना मैं भूल गई, तो मैं अभी आखा डाल रही हूँ। गणेश जी महाराज ये सेठ जी के खेत में से निकल रहे थे तो 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। बाद में गणेश जी के मन में विचार आया कि मैंने तो सेठ जी की चोरी कर ली। गणेश जी सेठ जी के 12 वर्ष नौकरी करने लग जाएं। एक दिन सेठ जी निपट कर राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ मरोड़ कर राख छीन कर मिट्टी से हाथ धुला दिए। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा कैसा नौकर रखा है जो कि नौकर जात होकर मेरा हाथ मरोड़ दिया। सेठ जी ने गणेश जी बुलाकर पूछा कि तूने सेठ जी का हाथ क्यों मरोड़ा। जब वो बोले कि मैंने तो सीख की बात बताई है, ये राख से हाथ धो रही थी, राख से कभी हाथ शुद्ध हुए है क्या? राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है और मिट्टी से धोने पर आती है। सेठ ने सोचा कि गणेशिया है तो सियाना। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया तो सेठ जी बोले कि गणेशिया सेठानी जी को निलाला। सेठ जी किनारे पर बैठकर नहाने लगी, सेठानी जी किनारे पर बैठकर नहाने लगी तो आगे ले जाकर गोता खिलाकर ले आए। घर आकर सेठानी सेठ जी से बोली गणेशिया की ये बात देखो, इतने आदमियों के बीच मुझे आगे घसीट कर निला लाया। गणेशिया को बुलाकर पूछा तो बोला कि किनारे पर बैठकर छबल कर रही थी, सबके नहाए हुए जल से नहा रही थी, आगे नहाने से अगले जन्म में बहुत बड़ा राजा और राजपाट मिलेगा इसलिए निलाया। सेठ जी सोचे कि गणेशिया है तो सियाना। एक दिन घर में होम हो रहा था, सेठ जी बोले कि गणेशिया सेठानी जी को होम पर बैठाने के लिए बुलाला। सेठानी को बुलाने गया, सेठानी काली आंगी पहनकर आने लगी तो आंगी फाड़ दी और बोले कि लाल आंगी पहनकर चलो। सेठानी रूठ कर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा क्या बात हुई। सेठानी जी बोली कि गणेश जी ने मेरी आंगी फाड़ दी। गणेश जी को बुलाकर बोले कि तू बहुत बदमाशी करने लगा गया है। गणेशिया ने कहा सेठानी काली आंगी पहनकर आ रही थी, मैंने तो उतार कर लाल आंगी पहनाने के लिए बोला था, काली आंगी शुभ काम में पहनने से काम सफल नहीं होता। सेठ जी ने सोचा कि गणेशिया है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी बोले हम तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। तब गणेश जी बोले कि तुम मुझे ही मूर्ति करके विराजमान कर लो, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। ये बात सुनकर सेठ जी को भी गुस्सा आ गया, बोले कि तू अभी तक तो सेठानी से मस्करी करता था, मेरे से भी करने लग गया। गणेश जी बोले मस्करी नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बात कर रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने रूप धारण कर लिया। सेठानी से एक साथ गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्धान हो गए। सेठानी को बहुत धोखा हुआ कि अपने तो गणेश जी हमेशा रहते, अपने उनसे इतना काम करवाते थे। गणेश जी ने सपने में कहा कि मैंने तुम्हारा खेत में 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे, इस दोष को उतारने के लिए काम किया था। सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई है। गणेश जी महाराज जैसा उस सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहने का कहता है न सुनता, न ओंकारा भरता है, न अपना सारा परिवार न दीजो। ये गणेश जी महाराज जैसे तुमने उस सेठ को दिया उनके घर में रहकर, ऐसे ही तो किसी भी रूप में कोई के भी घर जाना लेकिन वैसा ही देना, चाहे हमारे घर से दूसरों के घर। और जो वीडियो देख रहे हैं सभी के घर में ऐसे गणेश जी आवे जैसे उस सेठ जी के घर में आयो। तो मैंने दो गाइस और अभी पूजा मेरी हो चुकी है तो अभी मैं आरती करने वाली हूँ। तो आरती करने के बाद मैं यार सूर्य भगवान को अर्पित करने जाऊंगी क्योंकि नहीं तो सूर्य छुप जाएगा। हम घंटी लिया बजाने वाली सिंदूर से मुझे खिसवार, अन्नन को आंख दे कौड़िन को काया, अन्नन को आंख दे कौड़िन को काया, बंधन को पुत्र दे निधन को माया, बंधन को पुत्र दे निधन को माया, हर कदे फल कदे और कदे मेवा, हर कदे फल कदे और कदे मेवा, सुदासा कपल कदे सेवा, सुदासा कपल कदे सेवा, तो गाइस यहाँ हमने करवा चौथ की पूजा की तैयारी कर ली है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं मैंने करवा चौथ का फोटो भी रख दिया है और माला भी पहना दी है। मुझे चांद निकलने का इंतजार है पूजा करने का। लक्ष्य क्या